नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के वीडियो में आपको डिलीवरी के कितने दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुलता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ सर्विक्स ओपनिंग बिफोर डिलीवरी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी देती हूँ। क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं को बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, इस समय एक छोटी सी गलती भी काफ़ी महंगी पड़ सकती है। साथ ही बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलता है, डिलीवरी के कितने दिन पहले खुलने लगता है और उन सब के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप घर पे यह जान पाए कि अब आपका सर्विक्स ओपन होने लगा है, यह सब आज मैं आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम ये बात तो सभी की जानकारी में होती है कि किसी भी महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए यानी शिशु के जन्म से पहले बच्चेदानी का मुँह 10 सेंटीमीटर के लगभग खुला होना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी महिला के बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर के लगभग नहीं खुलता तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अब सवाल आता है कि मुंह खुलता कब है? तो देखिए, किसी भी महिला की सामान्य प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह डॉक्टर के द्वारा बताई गई डिलीवरी की डेट के 4 से 5 दिन पहले से या फिर 39वें व 40वें हफ्ते में थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है, या फिर आपके प्रेगनेंसी के 38वें सप्ताह में अधिकतर डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करके बताते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है या डिलीवरी में अब कितना समय बचा है। यह एक सामान्य प्रेगनेंसी की स्थिति में होता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती है, जैसे जब शिशु का वजन अधिक हो या आपकी दूसरी या तीसरी डिलीवरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तब 37वें हफ्ते से ही बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। पर यह सब आपके डॉक्टर ही आपको चेक करके बता सकते हैं। और अगर किसी और कारण से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता या बच्चा नहीं खिसकता, तब सिजेरियन डिलीवरी ही करवाना पड़ सकता है। अब अगला सवाल, बच्चेदानी का मुंह खुलने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी आप घर पर कैसे एहसास कर पाए कि बच्चेदानी का मुँह खुल गया है। बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो बहुत सारे संकेत हमारे शरीर को मिलते हैं और यही संकेत नॉर्मल डिलीवरी की ओर ले जाते हैं। जैसे जब आपको ऐसा अनुभव हो कि शिशु पेट से थोड़ा नीचे आ गया है, तो यही बच्चेदानी का मुंह खुलने का संकेत होता है। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रसव अर्थात डिलीवरी से पहले बच्चेदानी का मुँह खुलने का पहला लक्षण मानते हैं। इसमें महिला के पेट का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिससे महिला को सांस लेने में बहुत आसानी फील होने लग जाती है। साथ ही कई बार पैदल चलते समय भी कुछ ऐसा अनुभव होता है कि बच्चा बहुत नीचे है। साथ ही यदि महिला की पीठ में दर्द और पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव और दर्द का अनुभव होने लगे, तब भी समझना चाहिए कि बच्चेदानी का मुँह खुलने लगा है। उसके अलावा गर्भावस्था के दौरान वैसे तो महिलाओं को टॉयलेट अधिक लगने की परेशानी होती ही है, पर उन दिनों टॉयलेट अधिक जाने की शिकायत या फिर पेट में ज़्यादा मरोड़े आ आकर बार बार पॉटी जाने की शिकायत बढ़ जाती है, इससे भी समझना चाहिए कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। इसके अलावा महिला की गुप्तांग से वाइट डिस्चार्ज निकलने लगता है। यह वाइट डिस्चार्ज सर्दी जुकाम के समय हमारी नाक से बहने वाले द्रव्य की तरह थोड़ा गाढ़ा होता है। साथ ही कभी कभी यह हल्का पिंक भी हो सकता है अथवा हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, यह भी मुंह खुलने का ही संकेत देता है। इसके अलावा कभी किसी महिला की पानी की थैली एकदम फट जाती है या धीरे धीरे उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो यह भी बच्चेदानी का मुंह खुलने का ही संकेत होता है। किंतु यह संकेत डिलीवरी से कुछ समय पहले ही मिलता है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको सर्विक्स ओपनिंग से जुड़ी हमने बता दी है। देखिए, यह जानकारी हमने अपने तथा कुछ विशेषज्ञों की सलाह द्वारा तैयार की है, पर यह सभी जानकारी संपूर्ण नहीं हो सकती। हर गर्भावस्था और हर महिला के कुछ और भी सिम्टम्स या कारण हो सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़रूरी है समय समय पर अपने डॉक्टर से सही राय लेना और उस अनुसार निर्णय लेना। आपकी गर्भावस्था मंगल हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। अगर आपके फिर भी इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।